जैसा कि आप जानते हैं कि द न्यू एम्पायर की ट्रेलर कुछ दिनों पहले आ चुकी है, जहां हमें कई ऐसे दृश्य देखने को मिले जो सच में किसी को भी चौंका कर रख सकते हैं। इसलिए आज के इस वीडियो में हम ट्रेलर में दिखे छोटी से छोटी डिटेल्स की बात करने वाले हैं। तो आज के गॉडज़िला एंड कॉन्ग द न्यू एम्पायर ट्रेलर ब्रेकडाउन में आपका स्वागत है। वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो को लाइक करना ना भूले। ट्रेलर की शुरुआत में हमें एक सिस्मिक रीडर को दिखाया जाता है, जिसका इस्तेमाल अर्थक्वेक को मापने के लिए किया जाता है। और ट्रेलर में आप देख पाते हैं कि रीडिंग के अनुसार आसपास कहीं भयानक लेवल का भूकंप आया है। अब ये कोई भूकंप है या किसी टाइटन का उदय, ये हमें बाद में पता चलेगा। पर इसके ठीक तुरंत बाद हमें एक आइलैंड को दिखाया जाता है, जहां पर होलो अर्थ में जाने वाली टनल की ओपनिंग दिख रही थी। अगले ही पल में खूबसूरत से पिरामिड को दिखाया जाता है, जहां की धरती जोरों से कांप रही थी। अब शायद इसी भूकंप को सिस्मिक मीटर माप रहा था, पर इस भूकंप के कारण एक गड्ढे के बन रहने की वजह से होती है, जिस गड्ढे में से नीली रोशनी निकलती है। फिर एक विशाल सा हाथ, जो शायद पीले रंग की पावर आर्मर पहने हुए था, यानी एक तो इसके हाथ ही इतने विशाल, ऊपर से इस पर लगी यह डिवाइस न जाने क्या तबाही लाने वाली है। अब हो सकता है कि यह कॉन्ग का हाथ हो या फिर किसी और का। हमें होलो अर्थ का खूबसूरत सा दृश्य दिखाया जाता है, जहां उड़ रहे लीफ विंग्स यहां की खूबसूरती और बढ़ा देते हैं। लीफ विंग्स को आपने पहले भी कॉन्ग स्कल आइलैंड में देख लिया होगा। कुछ ही देर में इस गौर करने वाले दृश्य के दर्शन होते हैं, जहां पर छोटा सा डॉट की तरह दिख रहा यह जीव कोई और नहीं बल्कि कॉन्ग है, जिसे शायद किसी वुल्फ मॉन्स्टर के दल मिलकर इसका पीछा कर रहे होते हैं। अब हो सकता है कि यह डेथ जैकल्स हो। कुछ ही पलों में कॉन्ग की धुआंधार एंट्री होती है, जो पहले से शायद थोड़ा बदला लग रहा था। कॉन्ग के ठीक पीछे हमें एक मॉडर्न फ्लाइंग ऑब्जेक्ट दिखाया जाता है, जो तय है कि कॉन्ग को मारने के लिए तो नहीं उड़ रहा होगा। हो सकता है ये कॉन्ग के साथ ही कहीं जा रहा हो। अगले ही सीन में जंगल के बीचों बीच एक दरवाजा खुलता है, जो शायद वही फ्लाइंग ऑब्जेक्ट का दरवाजा हो, जिससे डॉक्टर आइरिन उतर रही हो। डॉक्टर आइरिन के साथ एक नई कैरेक्टर को भी दिखाया जाता है, जो हो सकता है कि बड़ी हो चुकी जिया हो। अगले ही सीन में कॉन्ग एक धुंध वाली रहस्यमयी जगह में होता है, और अपनी तरफ बढ़ती खतरे को देख ये अपने कुल्हाड़ी को लिए तैयार हो जाता है। पर कोहरा हटते ही कॉन्ग को सामने कोई खतरा नहीं बल्कि एक छोटा सा कोई दूसरा कॉन्ग नजर आता है। इस बच्चे को देखते ही कॉन्ग का दिल तुरंत पिघल जाता है, पर ज्यादातर चांसेस है कि इस बच्चे कॉन्ग का रिश्ता हो सकता है कि स्कार से हो, क्योंकि इसका कलर थोड़ी बहुत स्कार की तरह है। अगले ही पल डैन स्टीव को दिखाया जाता है, जो इस बात को लेकर अचरज में पड़ा था कि इतना विशाल पंजों के निशान किसके हैं, क्योंकि कॉन्ग के पैरों के निशान इतने विशाल नहीं हो सकते। हो सकता है कि स्कार किंग के पंजों के निशान हो, जो कि इस मूवी का मेन विलन है। कॉन्ग को एक पहाड़ से कूदते हुए दिखाया जाता है, जहां ये अपने एक्स के सहारे किसी गहरे गड्ढे में खुद को बिना नुकसान पहुंचाए नीचे उतार पाता है। और नीचे आते ही यह एक ऐसे चैम्बर में पहुंचता है जो किसी क्रिस्टल की तरह दिख रहा था, और इस पर्पल क्रिस्टल की तरफ काफी बार फोकस किया जाता है। यह हमें दूसरे कॉन्ग के स्कल को भी दिखाया जाता है, जिसके आसपास शायद और भी कंकाल पड़े थे। अब पता नहीं इसका शिकार मांस भक्षक स्कार ने किया है या किसी दूसरे अननोन टाइटन ने। अब इस दृश्य में हमें ढेर सारे कॉन्ग को दिखाया जाता है, जो हो सकता है कि पास्ट टाइमलाइन की हो या किसी बड़े बैटल की तैयारी की। अब अगले ही पल स्कार किंग को दिखाया जाता है, जिसके नीले चमकने वाली आंखों में गुस्से की ज्वालामुखी फूट रही थी। फिर से हमें होलो अर्थ का खूबसूरत सा दृश्य दिखाया जाता है, जहां स्पष्ट हो जाता है कि ये भाग रहे वुल्फ नहीं बल्कि डेथ जैकल्स है, जो कॉन्ग का पीछा कर रहे हैं। अब हो सकता है कि ये मौत के जैकल्स स्कार किंग के अटैक डॉग्स हो और ये अपने क्षेत्र में घुसपैठियों को दूर रखना चाहते हो, और यहीं से भागते भागते कॉन्ग इस धुंध वाले नए जगह पर पहुंचता है। अगले ही सीन में हमें एक एडवांस सिविलाइजेशन को दिखाया जाता है, जो ईवी ट्राई से जुड़ी हो सकती है, क्योंकि हजारों सालों पहले ईवी जनजाति काफी एडवांस हुआ करती थी। यहां दिख रहे सिविलाइजेशन शायद किसी ऊर्जा का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने जा रहे होंगे। अब क्यों, ये तो मूवी में ही पता चलेगा। हमें बर्नी को दिखाया जाता है, जिसे आप पहले भी गॉडज़िला वर्सेस कॉन्ग में देख चुके हैं, और इसे वही एडवांस सभ्यता के लोग पकड़कर ला रहे होते हैं, जहां बर्नी भी इस ऊर्जा से बने सीढ़ीनुमा स्ट्रक्चर को देखकर चौंक जाता है। अब एक शहर में किसी बड़े टाइटन के पैर को धरती पर अचानक गिरते हुए दिखाया जाता है, जो बेशक वहां तबाही मचाने आया होगा। अगले ही पल हमें बड़ी हो चुकी जिया को दिखाया जाता है,
जो किसी ऊर्जा स्रोत की तरफ बढ़ रही थी। दूसरे दृश्य में हम गॉडज़िला को देख पाते हैं जो किसी क्रिस्टल केव के अंदर हाइबरनेशन स्टेट में था, और वहां भी हमें उसी तरह की पर्पल एनर्जी देखने को मिलती है, जो हो सकता है कि गॉडज़िला को भी ऊर्जा से भरती हो। अगर ऐसा हुआ तो सच में आप गॉडज़िला का एक नया अवतार देखने वाले हैं। अब गॉडज़िला के जागने वाले सीन को दिखाया जाता है, पर गौर करने वाली बात तो यह है कि इसमें पहले की तरह ब्लू एनर्जी की जगह थोड़ी गुलाबी और मैंजेटा की तरह हो गई है, और ये पूरे ग्लेशियर को तोड़ते हुए वहां से उठ रहा होता है। ऊपर उठते ही यह आसमान की ओर देखकर गुर्रा उठता है, और इसके ठीक ऊपर ही हेलीकॉप्टर चक्कर काट रहे होते हैं। अब यहाँ दिख रहा गॉडज़िला थोड़ा बदला सा लग रहा है। हो सकता है कि ये इवॉल्व हो गया होगा और इसमें पहले के मुकाबले कहीं अधिक ताकत आ गई होगी, क्योंकि इसके स्पाइंस को भी अगर देखें तो इसकी संख्या और धार काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। अगले ही पल स्कार किंग और शायद उसके राइट हैंड वाला कोई दूसरा कॉन्ग को दिखाया जाता है। फिर पूरे कॉन्ग की संगठन को दिखाया जाता है, जहाँ अपना कॉन्ग भी पहले से मौजूद है, जिसके बीच स्कार किंग कूद कर आता है। कुछ ही देर में स्कार की एंट्री एक बीच के पास होती है। गॉडज़िला भी अब पूरी तरह से एनर्जी से भरा और ताकतवर महसूस करता है, इसलिए इसके मुंह से छूटने वाली एटॉमिक ब्रीथ भी पावर से ओवरलोडेड होती है, और इस दृश्य को देखकर ऐसा लग रहा है मानो कॉन्ग और गॉडज़िला की दोस्ती हो चुकी है। इसी वजह से ये साथ साथ कहीं भाग रहे हैं, और कॉन्ग के हाथों में कोई डिवाइस लगी है। इससे पता चलता है कि पिरामिड के सामने निकला जीव कॉन्ग ही था। अब दोनों हीरो टाइटन किसकी ओर भाग रहे होंगे, ये आप हमें कमेंट में जरूर लिखें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।